रेसिपी को साइड में रखते हुए आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो अभी कैसे है मेरी क्लाइंट जो मैं केटरिंग का भी करती हूँ, तो किसी ने मुझे पूछा कि उसे उसका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वो थोड़ी डाइट पे है, वेट बहुत हो गया है। तो मुझे कहने लगी कि मुझे हफ्ते में एक बार ऑयल फ्री खाना खाना है, मतलब महीने में चार बार। तो मैं क्या खा सकती हूँ? तो मुझे वो सूखा सूखा खा के भी मज़ा नहीं आता है। तो मैंने बोला खा सकती हो क्यों नहीं, दाल राइस खा सकती हो। तो जो डाइट दाल है मैंने रेसिपी में भी बताई है, बिना ऑयल के भी तड़का बहुत अच्छा बनता है। आप नॉनस्टिक में प्याज भून सकते हो, उसमें टमाटर डाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए अगर रेड चिली अवॉइड कर रहे हो, ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो, हल्दी तो फिर चलती ही है, हल्दी तो हमारे लिए वैसे ही बहुत अच्छी है। तो इस तरह से दाल बनाएं, राइस बनाएं, उसके साथ आप दाल राइस बन गए, उसके साथ बॉइल्ड आलू लीजिए, उसे भी नॉनस्टिक में आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्दी, थोड़ा सा करी लीव्स डालिए और उसे थोड़ा सा रोस्ट कीजिए। देखिए वो रोस्ट आलू की सब्जी बन जाएगी, भुनी आलू की सब्जी, वो आप खा सकते हो। आप रोटी ले सकते हो उसके साथ, रोटी पे सिर्फ आप ऊपर से घी मत लगाइए। उस दिन आप बना रहे हो या आपकी मेड बना रही, तो उसे मत बोलिए कि आटे में वो ऑयल नहीं डाले, बिल्कुल प्लेन आटा गूंदें और आप बिना ऑयल की सूखा फुलका लीजिए, सब्जी हो गई आपके लिए आलू की। इसी तरह आलू के जैसे आप पत्ता गोभी भी बना सकते हो, हल्का सा पानी का छींटा देके नमक हल्दी डाल के उसे कवर कीजिए नॉनस्टिक में, तो वो सब्जी बन जाएगी। उस पर हरा धनिया डालिए। तो इस तरह से आप कोई सब्जी, दाल, राइस, रोटी, पूरा मील हो गया। तो अभी और वापस रात का है, तो रात को आप डिनर में खिचड़ी बना सकते हो, दाल खिचड़ी बनाइए, दही के साथ खाइए, दही बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, दही का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करें, तो स्वीट पटेटो हो गया, स्वीट पटेटो बहुत हेल्दी है, लो कैलोरीज है, तो उसे आप लाइए। स्वीट पटेटो को थोड़ा बॉईल कीजिए, बॉईल करके कट करके उसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक पेपर या काला नमक डाल के वो खा सकते हो, या फिर आप स्प्राउट्स अच्छी तरह से दो दिन पहले भिगोइए। और उसे मैंने आपको बताया कि उसे स्प्राउट्स होने के लिए एक मलमल के कपड़े में या छलनी में रखना होता है, तो वो स्प्राउट्स भी आप बॉईल कीजिए हल्का सा, उसके ऊपर आप ब्लैक पेपर, सॉल्ट और नींबू निचोड़ के वो आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, वो आप रोटी से भी खा सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड में डाल के भी खा सकते हो। तो इस तरह से है काफ़ी ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, और वो खाना टेस्टी भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से ऑयल फ्री खाना आराम से, और मैं तो कहती हूँ कि नॉर्मली भी 45 के बाद या 50 के बाद थोड़ा सा हर लेडीज़ चाहती है कि हमारा स्किन अच्छा रहे, हमारा वेट थोड़ा लाइट रहे, हम घूम फिर सके, थोड़ा यंग लुक रहे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक हफ्ते में एक दिन ऑयल मत खाइए, इस तरह का खाना खाइए, आराम से खा सकते हैं, तो वो ऑयल फ्री फूड हो जाता है। जैसे कभी कभी हम कुछ पार्टी है या कोई गेस्ट आ गए तो हम होटल में भी जाते ही हैं, तो वहाँ हम खाते हैं, वहाँ हमें चटपटा खाना होता है, जो भी होता है, तो एक दिन हम इस तरह हफ्ते में करेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो अंदर का सिस्टम ठीक रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है, वेट ठीक रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑयल फ्री चीज़ें, मैंने अभी तो डाइट दाल बताई थी, आगे मैं ऑयल फ्री आपको, अभी किसी ने मुझे कहा कि वो रेसिपी बताइए कि आप कैसे सब्जी बनाते हैं, तो हम वैसे बनाएंगे। तो मैं बोली हाँ ज़रूर, मैं अपने आने वाले वीडियो में आप बताइए कौन कौन सी सब्जी देखनी है, तो मैं बताऊँगी। और सच में वो बहुत टेस्टी भी लगती है, ऐसा नहीं है, आप बनाइए और खाइए। तो बस इसी तरह आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद हम अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, तो इसी तरह जैसे कुछ बैचलर्स है लड़कियाँ, तो जैसे रहती है दूर दूर, तो कहती कि हम लोगों ने ऐसा लिया है रूम मिल के बनाते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि वो एक जगह बैंड्रा में हमारे जान पहचान में, तो आप बताइए ना क्या ऐसे हम करें कि क्या सब्जियाँ रखें और कैसे हम हफ्ता भर का ये करें, क्योंकि हम चारों मिलके फिलहाल यहीं पे फूड बना रही, क्योंकि वहाँ पर कोई टिफिन सर्विस अवेलेबल नहीं जहाँ वो रह रही है। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग
प्याज आलू तो नेसेसरी है, वो आप रखिए, क्योंकि उन्हें फ्लैट भी जो मिला है रहने के लिए उसमें फ्रिज गैस सब अवेलेबल है। तो कुछ टिप्स मैंने बोला, बाकी तो मेरी रेसिपी आप देखते रहिए, टिप्स मैं बताती हूँ। जैसे प्याज आलू एक जरूरी है, टमाटर है, इसके साथ आप हेल्दी सब्जी जैसे कैरेट हो गई, ग्रीन पीस हो गए, ये थोड़े से फ्रिज में एक हफ्ते के लिए आप निकाल के, अभी तो फ्रेश भी मिल रहे, स्टोर कर लीजिए। कैप्सिकम हो गई, शिमला मिर्च कैप्सिकम हो गई, गाजर हो गई, ग्रीन पीस हो गए, तो इस तरह से हम चार पांच सब्जियां होती है, जैसे वो कैरेट हो गई, तो आप ये सब सब्जियां रखिए। और जैसे फटाफट सुबह उठे तो किसी दिन गाजर और मटर बना लिए, फटाफट कुकर में बन जाते हैं, या किसी दिन आपने कैप्सिकम शिमला मिर्च और आलू बना के लेके जा सकते हो। कैप्सिकम की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अलावा आप जैसे आलू की सब्जी बना सकते हो, चलो आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट चार आलू काटे, प्याज नहीं भी डाला तो उसमें आपने नमक मिर्ची हल्का सा ऑयल जीरा डालकर बनाई, फटाफट बन जाती है। थोड़ा सा आप धनिया, हरा धनिया लाइए और हरा धनिया अच्छी तरह तोड़ के रखिए, उसके स्टम्स अगर अच्छे हैं, एकदम डेलिकेट है, टेंडर है, तो उसे भी आप स्टोर कीजिए। जैसे अभी आप लोगों को छुट्टी होती है तो कभी आप ग्रेवी की सब्जी बनाइए, मिक्स वेजिटेबल बनाइए, वेज कोरमा टाइप, जो चारों पाँच सौ सब्जियाँ हैं वीकेंड में वो बनाइए, सब काटिए, कैप्सिकम हो गई, गाजर हो गई, या कॉलीफ्लावर हो गया, हरे मटर हो गए, जो भी है वो डाल के आप थोड़ा सा ग्रेवी बनाइए, प्याज भून के उसमें टमाटर डाल के सब डाल के और ग्राइंड करके आप उसमें सब्जी बना सकते हो, मसाले डाल के। और ये सब सब्जियां डालिए कुकर में, पानी डालिए, फटाफट वेज कुरमा बन जाता है। उस दिन आप आराम से रोटी भी फटाफट बना सकते हो, फुल खाना बना सकते हो, दाल राइस। तो ये बस चार पांच सब्जियां जैसे ज़रूरी है, थोड़ा हरा धनिया, हरा धनिया हम किसी भी चीज़ में डालते हैं, एक तो चीज़ बहुत टेस्टी हो जाती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप इस तरह से हफ्ता भर बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे कुछ एक नेक्स्ट वीक में आप स्प्राउट्स रख लीजिए, स्प्राउट्स बना दो दिन पहले ही आप स्प्राउट्स तैयार करके रख लीजिए, चना हो गया, मूंग हो गया, जो भी आपको अवेलेबल है, चवली बीन्स हो गई, तो बस आप ये मिक्स स्प्राउट्स बना सकते हैं सुबह सुबह फटाफट। टाइम नहीं है तो आप सिर्फ बॉईल कीजिए, उस पर काला नमक डालिए, तो कोई सॉस ऊपर ऐड करके थोड़ा रोटी बना के रोल बना के खा सकते हैं। टाइम नहीं है तो ब्राउन ब्रेड के साथ ले जाके खा सकते हो, तो एटलीस्ट मतलब ये हो जाता है कि हमने घर का ले लिया है टिफिन, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये कुछ है, चार पांच सब्जी आप हमेशा रखिए, जैसे ये नेसेसरी है हमारे लिए। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, तो यही मैंने बस उनको सजेस्ट किया तो बोले ठीक है। तो बाकी मैंने कहा आप वीडियो देखिए, आपको कुछ कुछ सब्जियाँ उसमें आइडिया मिलेगा क्या फटाफट बनता है, कैसी सब्जियाँ हैं। तो बस अभी इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी किसी ने पूछा कि आप ये जो पेस्ट बनाते हो ये तो टाइम लगता है, लहसुन अदरक क्या उसी टाइम? मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मेरे को तो दो एक दो दिन पहले फ़ोन आता है तो मुझे तैयारी करनी पड़ती, तो मैं बोली आप ही एक वीक के लिए आराम से रह जाती है, आप लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बनाइए। अगर लहसुन नहीं खाते तो खाली अदरक हरी मिर्च, तो उसके अंदर आप जब पेस्ट बना लेते हैं उस पिंच ऑफ हल्दी, एकदम थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है, और अच्छी तरह मिक्स करके उसे फ्रिज में स्टोर कर दीजिए कोई अच्छे एयरटाइट कंटेनर में, ताकि फिर उसका कलर भी काला नहीं पड़ेगा और वो एकदम फ्रेश रहेगी, उसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, आराम से एक हफ्ता तक वो पेस्ट फ्रेश रहती है। खैर मुझे तो हर दो दिन में बनानी ही पड़ती है, मेरा काम ऐसा है कि, तो आप जैसे बिजी होते हो, वर्किंग लेडीज हैं, टाइम नहीं है, तो आप आराम से एक छोटा डब्बा भर के बनाएंगे तो आपको हफ्ता भर, और वो काली भी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली मुझे कईयों ने कहा कि हमारी पेस्ट लहसुन अदरक की थोड़ा काला हो जाता है, ऊपर से डार्क हो जाता है, तो वही मैंने कहा कि आप लोग हल्का सा हल्दी डालिए और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कीजिए, तो वो उस तरह रखेंगे तो वो काली नहीं पड़ेगी। और जब भी हम निकालते हैं वापस उसे मिक्स कर दीजिए, उसका कवर है उसके ऊपर पानी आता है, मॉइस्चर क्लीन कीजिए, ढक्कन लगा के फिर से रख दीजिए। तो इस तरह से आप ये पेस्ट बना के रख सकते हैं, हफ्ता भर आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी भी ये पेस्ट डालते हैं तो सब्जी टेस्टी हो जाती है। जो भी सब्जी बनाएंगे उसमें हम थोड़ी सी पेस्ट डालेंगे तो वो सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह बस हम अगला टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो काबुली चने हैं, छोले हैं, उसके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे छोले इतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं, आपसे हम मंगाते हैं, आपके जब भी हम कभी कभी ट्राई करते हैं कि थोड़े से हम भी घर में बना के ट्राई करें, तो उतने सॉफ्ट नहीं बनते, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा नहीं, आप एक तो उसको भिगोइए प्रॉपर,
ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा भिगोए तो वो उतने नहीं अच्छी तरह से भीगते हैं, उसे कम अगर आपने सुबह बनाने हैं तो एटलीस्ट रात को भिगोइए, अगर रात के डिनर में है तो सुबह भिगोइए, अगर लंच में भी बनाने हैं तो भी आपने कम से कम रात को लेट नाइट सो देने 12 बजे भी भिगोए तो कोई बात नहीं, क्योंकि 8 से 10 घंटे अगर वो भीगते हैं तो बहुत अच्छी तरह से भीग जाते हैं, तो उसमें कोई डालना नहीं पड़ता। कई लोग सोडा वगैरह भी डालते हैं बट मैं अवॉइड करती हूँ ये सब। तो एक है इसमें टिप्स कि आप हींग डाल सकते हैं उसमें थोड़ी सी, अगर आप भिगोते टाइम हींग डाल देंगे तो आपके छोले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और पहले और ये जो आप काबुली चना लेते हो ये थोड़ा देख के लेना पड़ता है, जैसे कोई कोई क्वालिटी ऐसी होती है कि जल्दी बॉईल ही नहीं होते, बहुत सारी सीटी लगानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा देख के लेने चाहिए कि ये बराबर छोले सही है ना, फ्रेश है ना, मतलब लगे हुए तो नहीं है उसमें दाने। तो बस यही है छोले का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा हींग डाल सकते हो। तो बस इसी तरह ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जानना चाहते थे मेरे कस्टमर, बस मैंने शेयर की है जो मुझे पता है, जानकारी है, तो आप देखिए इस पे अमल कीजिए। चलिए अगले बार मिलती हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन जो भी पूछना है उसके जवाब जरूर दूंगी। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।